तो है गाइस, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेरे चैनल के साथ, इसलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता, लेकिन अभी डेली का डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा गाइस। तो आज क्या करने वाले हैं, आज इस बाइक के साथ कुछ नया चीज़ लगाने वाले हैं। इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा मतलब कहने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो गाइस आज क्या करने वाले हैं, इसका जो हेडलाइट है ना जलता है, ना इसका हॉर्न बजता है, ना इसका इंडिकेटर जलता है, ठीक है। तो आज क्या करने वाले हैं, इसका बैटरी हम चेंज करने वाले हैं। बैटरी चेंज करने के लिए पैसा चाहिए, तो गाइस मेरे पास पैसा नहीं है। आज क्या करने वाला हूँ, इस बैटरी की जगह हम छोटा सा चीज़ लगाने वाले हैं, जिसके मदद से हम हॉर्न बजा सकते हैं, इंडिकेटर जला सकते हैं, हेडलाइट भी काम करेगा ठीक से। तो गाइस फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता होगा वीडियो शुरू होने से पहले क्या करना पड़ता है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर किसी को पता चल सके कि बैटरी की जगह हम छोटा सा चीज़ लगा के बाइक को इजीली हम यूज कर सकते हैं, मतलब हेडलाइट, इंडिकेटर्स और हॉर्न इजीली यूज कर सकते हैं। तो गाइस तो आपको पता होगा, अगर भीड़ जगह पर हॉर्न नहीं बजेगा तो क्या मुसीबत आता है उस जगह पे, ठीक है। अब समझ गए, तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने जो बाइक है, इस बाइक के साथ छोटा सा प्रॉब्लम है। छोटा सा प्रॉब्लम कहने के लिए गए तो आपको तो पता है, बाइक का हॉर्न नहीं बजेगा तो भीड़ जगह पे क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बोल सकते हो, कमेंट करना आपके लिए फ्री है। तो गाइस आज क्या करने वाला हूँ, इसका हॉर्न, हेडलाइट और इंडिकेटर कुछ भी काम नहीं करता है। तो आपको अच्छी तरह पता है, हॉर्न नहीं बजेगा तो इसका बैटरी ही खराब की वजह से हॉर्न काम करना बंद कर देता है। तो आज क्या करने वाला हूँ, इस बैटरी को खोल के फेंकने वाला हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है बैटरी चेंज करने के लिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस 20 रुपये का कैपेसिटर को यूज़ करने वाला हूँ बैटरी की जगह पे। आपको पता है बैटरी का प्राइस कितना है, 1100-1200-1500 के ऊपर है, ठीक है। तो आज क्या करने वाला हूँ, इस 20 रुपये के कैपेसिटर से मैं सब कुछ सही करने वाला हूँ। गाइस ये वीडियो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, और आप भी चाहते हो बैटरी एक्सचेंज करने के लिए तो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस मैं इसे भी लगाने वाला हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसे भी लगा के मैं आराम से बाइक को चला सकता हूँ, हॉर्न, इंडिकेटर, हेडलाइट जला सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करता हूँ, पहले इसका स्क्रू मैंने खोल दिया है, जो राइट वाला पैनल है इसे मैं खोलता हूँ पहले। इसे खोलना भी बहुत ही आसान है, आप इसे खोल के इजीली काम कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पे जो बैटरी है पूरी तरह खराब है, खराब के चलते ना ही हमारा हॉर्न बजता है, ना ही इंडिकेटर, ना ही हेडलाइट ठीक से चलता है। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक छोटी सी क्लिप काट दिया है। क्लिप में क्या था, देखिए गाइस आप सोचते होंगे कि कैपेसिटर लगाने के बाद कैपेसिटर कैसे वार करेगा। गाइस देखिए, आप जब आपका बैटरी वीक हो जाता है तब प्रॉब्लम क्या होता है, नब जब आप बाइक स्टार्ट करने के बाद जब एक्सीलेटर रेस करते हो तब जाके हॉर्न बजती है और टर्न लाइट जलती है और हेडलाइट भी जलती है। जब आप एक्सीलेटर डाउन करते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, इंडिकेटर तो नहीं जलेगा, हेडलाइट रोशनी कम देगी और हॉर्न भी नहीं बजेगा। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा था, ठीक है। तो कैपेसिटर लगाने बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, कैपेसिटर लगाने बाद जब आप स्टार्ट करोगे बाइक, जितना रोशनी देती है रेस करने पर उतना ही रोशनी देगी, मतलब बहुत तेज़ रोशनी देगी और हॉर्न भी बजेगी सही से। और इसे एक्सीलेटर डाउन करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही एक्सीलेटर हाई करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, जब आप भीड़ जगह पर फंस जाते हो, बाइक स्लो करते हो, तो उस जगह पर अगर आपके बाइक के अंदर बैटरी है तो उस जगह पर हॉर्न नहीं बजेगी और ना ही आपका हेडलाइट ठीक से रोशनी देगी, ठीक है। और कैपेसिटर लगाने बाद अगर वहाँ पे आप एक्सीलेटर लो करते हो, बाइक आप स्लो करते हो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हाई बाइक रेस करने पर जितना लाइट आता है, एक्सीलेटर लो करने पर भी उतना ही लाइट देगी कैपेसिटर। तो गाइस इस वीडियो में आप पूरी तरह समझ जाओगे, ठीक है। बस ये देख लो कैसे कनेक्शन होता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप 1200-1500 देकर बैटरी लगाओगे या फिर ये 20 रुपये का कैपेसिटर लगाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, बस ये एक्सपेरिमेंट के लिए मैं इसे लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस ये बैटरी पूरी तरह ख़राब है, अभी मैं इसका बैटरी का वायर यहाँ पे खोल लेता हूँ। अभी बैटरी पूरी तरह ख़राब है, किसी काम का ही नहीं, ठीक है। तो अभी बैटरी को हम फेंकने वाले हैं। अब इसे बेच सकते हो, 50-60 रुपये मिलेगा। तो गाइस अभी कैपेसिटर को हमने लगाने वाले हैं, और कैपेसिटर लगाने से हमें पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी वायर को, किसी भी जो वहाँ पे टर्मिनल है इसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम इसमें इसको जोड़ने वाले हैं। गाइस दोनों वायर को जोड़ने के बाद अभी ये कैपेसिटर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं क्लियरली पूरा आपको दिखा दिया बैटरी खोलने के बाद ये कैपेसिटर यहाँ पे कैसे लगता है, ठीक है। तो इसे हम अभी जैसे खोले थे वैसे ही इसे लगा देते हैं पहले।
यहाँ गाइस मैं यहाँ पे अकेला हूँ, तो स्टार्ट करके एक हाथ में मोबाइल पकड़ के दूसरी हाथ में हॉर्न और एक्सीलेटर भी नहीं दे सकता हूँ। तो गाइस थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे ये 100% काम करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लगाया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे बाइक को स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा दिक्कत होगा गाइस क्योंकि मैं अकेला हूँ, इसे दोनों हाथ से, दो हाथ है मेरा, तो ये जो तीन काम मैं एक साथ में नहीं कर सकता। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, आप देखते रहिए। तो गाइस अभी इसका मैं चाबी यहाँ पे ऑन करने के बाद तो बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ पहले। ठीक है, तो गाइस फाइनली बाइक स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो पहले इसका जो इंडिकेटर आप देखिए, जो न्यूट्रल लाइट, न्यूट्रल लाइट सही से जल रहा है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, हमारा प्रॉब्लम था हॉर्न, हेडलाइट और इंडिकेटर, बैटरी का ज़्यादा बजट आ जाता है बैटरी, और वो लोग चाहेंगे तो इस कैपेसिटर का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी बाइक स्टार्ट के ऊपर है और जो कैपेसिटर हमने लगाया है यहाँ पे, ये पूरी तरह काम करता है। तो अभी मैं फिर से मैं हॉर्न बजा के आप सुनाता हूँ थोड़ा सा मोबाइल पर। तो गाइस मेरा फ्रेंड्स अभी आया, तो थोड़ा सा हाँ, तो गाइस अभी मेरा फ्रेंड्स आया, तो मैं क्या करता हूँ अभी दोनों हाथ से सेट को लेके बाइक ट्यूनिंग छोड़ दिया, तो और एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस। तो गाइस फाइनल बाइक स्टार्ट होने के बाद अभी मैं हॉर्न बजाता हूँ, अभी हॉर्न सही तरीके से काम करता है और हेडलाइट भी दिखा रहा है, हेडलाइट भी जल रहा है। तो हमारा आइडिया गाइस पूरा फाइनली काम कर गया, और आप भी चाहते हो तो इस तरह से कुछ करने के लिए तो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं गाइस किसी नए वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।